अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलने के लिए। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है गौतम शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल ज्ञान ज्योत। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है स्पोर्ट्स सीरीज का वीडियो नंबर 8। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में, केरला ब्लास्टर एफसी के बारे में, चेन्नई एफसी के बारे में और उसके साथ ही हम लोग बात करेंगे मुंबई सिटी एफसी के बारे में भी। सो गाइस, बिना वीडियो को स्किप किए हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बूम वॉलेट। सो गाइस, इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग बड़े ही आराम से लॉकडाउन के टाइम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और गाइस, इस ऐप का जो खास बात है वो ये है कि इस एप्लीकेशन में आप लोग मिनिमम 20 रुपीज से विथड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना कोई विथड्रॉवल चार्ज के। सो गाइस, इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका फुल ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, उन्हें जाके एक बार जरूर चेकआउट करें। सो गाइस, पहले बात करते हैं चेन्नई एफसी के बारे में। सो गाइस, ये रूमर निकल के आ रहा है कि चेन्नई एफसी बात कर रहा है 34 ईयर्स के फॉरवर्ड प्लेयर बेसार्ड पेरिसा के साथ। सो गाइस, ये एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है। सो गाइस, इनका करंट टीम है वेस्टर्न यूनाइटेड एफसी। सो गाइस, अगर चेन्नई एफसी इस प्लेयर को साइन करते हैं तो ये चेन्नई एफसी के लिए बहुत ही अच्छा साइनिंग हो सकता है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं मुंबई सिटी एफसी के बारे में। सो गाइस, मुंबई सिटी एफसी के एफसी ने रेनर फर्नांडिस के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि हमें 2023 तक रेनर फर्नांडिस मुंबई सिटी एफसी में ही खेलते हुए दिखेंगे। सो गाइस, रेनर फर्नांडिस भी एक बहुत ही अच्छे इंडियन प्लेयर है जो कि मिडफील्डर की भूमिका निभाते हैं। सो गाइस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में। सो गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी एक बहुत ही अच्छे इंडियन प्लेयर के साथ अपना बात कर रहा है। सो गाइस, वो प्लेयर है तारू एफसी के मिडफील्डर खुंगडोंगबाम कृष्णानंद सिंह। सो गाइस, ये प्लेयर के साथ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ही नहीं, बहुत सारे क्लब अपना बात कर रहा है, जिनमें से एक क्लब है ईस्ट बंगाल एफसी। लेकिन इस प्लेयर को साइनिंग करने में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ही सबसे आगे है। सो गाइस, देखते हैं कि ये प्लेयर हमें आगे जाके कौन से टीम में खेलते हुए दिखेंगे। सो गाइस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं केएलआर ब्लास्टर एफसी के बारे में। सो गाइस, केएलआर ब्लास्टर एफसी साइन करने जा रहे हैं 23 इयर्स के ऋत्विक दास को। सो गाइस, ये प्लेयर मिडफील्डर की भूमिका निभाते हैं और इनका करंट क्लब है रियल कश्मीर एफसी। सो गाइस, इस प्लेयर के साथ केएलआर ब्लास्टर एफसी का सब कुछ कंफर्म हो चुका है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली साइनिंग नहीं हुआ है, बट बहुत ही जल्दी ऑफिशियली साइनिंग भी हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड के नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पे टेक हैक स्पोर्ट्स या फिर गेम से वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो आज के लिए गुड बाय।